वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, लंबे इंतजार के बाद फाइनली बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा तारामंडल का उद्घाटन गाइस 10 जून 2023 को खोला जाएगा। फिलहाल हम आज 6 जून 2023 को मौजूद है यहाँ पे, हमारे कॉलेज की तरफ से यहाँ पे घुमाने के लिए लाया गया गाइस। दरभंगा तारामंडल में 2D और 3D दोनों में आप देख सकते हैं पिक्चर। 2D के लिए आपको 50 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा और 3D के लिए आपको 70 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम दिखाए जाएंगे वो 30 से 35 मिनट का लगभग हो। चलिए आज का टूर करते हैं, क्या क्या इसमें मौजूद है और क्या क्या चीज देखने को मिले देंगे, हमें सारी जानकारी आपको देंगे। मंडल का ये पीछे का गेट शायद है, ये खुला हुआ नहीं है, बंद है, काफ़ी अच्छा दिखने में लगता हुआ। हम लोग इन करेंगे आगे से, जो आगे का गेट है वहाँ से। चलिए चलते हैं। ये हम हैं, ये सत्यम है, पीछे जो है ये अमन है, और ये बगल में हमारे पीछे तारामंडल का पूरा व्यू है। ये देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। ये हमारा गेट नंबर 2 यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं टिकट यहाँ पे दिया जाता है, और इस तरफ देख सकते हैं ऊपर में टिकट काउंटर लगा हुआ है। और गाइस देखिए किस तरीके से दिख रहा है, वहाँ से लास्ट पॉइंट से लेके यहाँ पे बारिश हो रहा है, और देखिए सामने में फोटो शूट वगैरह हो रहा है। काफ़ी धूप है तो हम जाएंगे नहीं बीच में, और धूप में ही ये शो स्टार्ट किया गया है। अच्छा व्यू आ रहा है काफ़ी दूर से भी, अभी एक्सपेंड नहीं किया गया है, अभी इतना ही छोटा ही है, बस अंदर जाएंगे तो भी देखेंगे पीछे किस तरीके से ये आ जाएंगे। गाइस जी हमारे एक दोस्त मिल गए हैं और काफ़ी अच्छा कुछ चित्र है, यहाँ से स्टार्ट है। हाइट वाइट काफ़ी ज़्यादा है इसका, देखने में भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और ये जो भयंकर देख सकते हैं गोला, ये हमारा पृथ्वी का आकार है। जी बिल्कुल नहीं, ये हमारा जो है ना, ये इसके अंदर तारामंडल जिसे बोलते हैं वही इसका हमारा जो भी सारा सेटअप है इसमें चलेगा। और ये सारा व्यू है हमारा चारों तरफ का, एक तरीके से छोटा बहुत बैठने की चीज़ें यहाँ पर सीटी वीटी दी गई हैं, और इस तरीके से यहाँ से सारा लुक आता है। ठीक है गाइस, चलिए गाइस देखिए कि ये हमारा जो है पूरा का पूरा अर्थ है जिसे हम लोग तारामंडल बोलते हैं। काफ़ी अच्छा ये दिख रहा है अंदर से, ये नज़ारा देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और अच्छा देखने में। इनके द्वारा भगाया जा रहा है, और सबसे बड़े जो महावीर हैं इनको, ये हमारे बैच से है, सभी को निकाल दिया गया इससे। देखिए सभी को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है इस मैदान से, जो हमारा छोटा सा ये पौंड है। चलिए अंदर में शो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये सारे व्यू हैं, और अंदर की सारे के सारे व्यू देख सकते हैं। हो रहा है देखिए गाइस, यहाँ पे फोटो शूट भी हो रहा है। देख सकते हैं कि ये सभी गैंग लोग आ गए हैं, तारामंडल में मौजूद हैं। कुछ बोलना चाहेंगे शो के बाद? पूछते हैं इनसे कि क्या इन्होंने देखा और क्या बताएंगे इसके बाद। शायद नहीं दिख रहे होंगे, क्या पूछना चाहेंगे? नहीं ये बहुत अच्छा है, दरभंगा में साइंस म्यूजियम खुला है, संग्रहालय है, और बिहार के सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छा एक कदम है जो पटना सिटी से हटके दरभंगा में भी सरकार में उद्घाटन किया गया। कोई सुनना हो चले ठीक है, कुछ बोलना चाहते हैं कुछ क्या नाम है? अच्छा जैसा दिख रहे हैं काफ़ी, अब देखते हैं कि शो के बाद क्या होता है। अभी लाइन लगी हुई है, आगे हम जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। हमें मिल चुका है TD का चश्मा, और हम अंदर प्रस्थान। देखिए कि किस तरीके से
दिख रहा है। और गाइस ये देखेंगे कि धीरे धीरे किस तरीके से जो आकाश का पूरा व्यू है वो दिखाने की कोशिश है वर्चुअल वे में, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है जैसा कि आप फोन में भी देख पा रहे होंगे। और देखिए गाइस क्या ये गाइस पूरी तरीके से हम लोग ऐसा फील हो। नज़दीक आ चुका है ये सारे के सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स जो हैं वो सारे नज़दीक आ चुके हैं। और सामने से देखेगा इसको हमें इस तरीके से
That's very nice. काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है गाइस, जैसा है कि हमने जो ग्लासेस पहन रखी हैं उससे व्यू काफ़ी लग रहा है, नज़दीक आ चुका है पूरी तरीके से और व्यू भी अच्छा, और ये शो लग रहा है कि ख़त्म हो गया गाइस। ओ गाइस बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है अभी और डिजिटल थिएटर देख सकते हैं, इनके द्वारा शायद इसे रन किया जा रहा है। ये देखिए गाइस, और देखिए गाइस ये व्यू हमारा शायद ये है, फ्यूचर की व्यूज दिखा रहे हैं और हम उनसे देखने चाहेंगे कैसा लगता है। उसके परीक्षण ये बताते हैं कि वेस्टा उसके 4 अरब वर्षों पहले हुए निर्माण से लेकर आज तक उसी स्वरूप में है, पर उसकी अलग अलग किस्म की विशेषताएं ये सूचित करती हैं कि इस छोटे से विश्व में और बड़े ग्रहों में बहुत समानताएं भी हैं। उन्हें प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम रशिया, जापान और यूरोप में उसकी मुलाकात करने अपने प्रोमोट्स भेजा। सबसे साहसी था यूरोपियन जियाटो, जिसकी धूमकेतु के केंद्र पर जल्द ही उतरने की उम्मीद है।
इसका उपयोग करके विद्युत शक्ति का निर्माण करता है। सूरज की रोशनी जुपिटर तक पहुंचते पृथ्वी की तुलना में 25 गुना कमजोर इस महंगा ग्रह का उसके 60 से ज्यादा चंद्र पीछे नहीं जाने दे रहे हैं और बाहर का हम देखते हैं इस तरीके से बाहर का भी अंदर से बाहर का भी काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है और ये हमारा काफ़ी अच्छा। फाइनली अब यहाँ से हम एग्जिट होंगे और एग्जिट होने के बाद बाहर की ओर जाएंगे, ऐसा मज़ा आता है। चलिए हम लोग का एग्जिट पॉइंट यहाँ से हमारा गाइस पीछे का व्यू है, काफ़ी धूप है तो हम दिखा नहीं पाएंगे और ये चारों तरफ का ये है हमारा उस तरीके का क्या व्यू आ रहा है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है पीछे देखिए। धूप में हम लोग काफ़ी पसीना देखें, तारामंडल यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, तारामंडल सब विज्ञान संग्रहालय दरभंगा लिखा गया, काफ़ी लोग यहाँ से मनोरंजन करते हुए